Welcome back to the second last lecture of chapter number 4. Welcome back to the channel of UKIC official. मैं डिंपल कच्ची और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं हमारे chapter number 4 के बारे में, जिसका lecture होता है T, जहाँ पे हम लोग पूरा का डिटेल वर्जन देखने वाले हैं कि भाई ई कॉमर्स क्या है और उसके रिक्विजिट इक्विपमेंट्स, उसके टूल्स क्या है एंड व्हाई इट इज यूजफुल एंड व्हाई इट इज नीडेड। अगर ये आप लेक्चर देख रहे हो तो आप लोगों को चैंपियन लिखना पड़ेगा ताकि मुझे पता रहे आप लोगों ने लेक्चर अंत तक देख लिया है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर थर्ड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का सिंपल मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसका मतलब है हम लोग जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, हम लोग जो भी गूगल पे करते हैं, हम लोग मैप्स करते हैं, हम लोग फाइंड माई फोन करते हैं, वॉट एवर इट इज़, हम लोग जो भी सारी चीज़ें करते हैं, बुक माई शो करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आती है अंडर ई कॉमर्स, जो बहुत ही ईजी एंड क्विक है। विद द वन क्लिक you can purchase, you can sell, you can add, you can transfer, you can see advertisement and what not। ठीक है, इंटरनेट की वजह से ये जो पूरी दुनिया है, ठीक है, वो बहुत ही छोटी हो गई है। आपको अगर आपको यहाँ पे बैठे बैठे किसी और के साथ बात करनी है तो विद द वन क्लिक यू कैन ईजीली कॉल विद दैम एंड यू कैन ईजीली कम्युनिकेट विद दैम। ठीक है, आपको वहाँ पे पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही हम लोग बात करें, अभी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है तो उसकी वजह से भी हमको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। जैसे अभी बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कुछ इस हिसाब से होता है कि आपके सामने ही जैसे कोई इंसान पूरा खड़ा है और वो आपके साथ कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, तो मतलब लाइफ नॉट कंसिडर एज द लाइफ, बट यू नो वो पर्सन एग्जैक्टली आपके सामने है, बस यू कैन नॉट उसको टच। ठीक है, आप उसको टच नहीं कर सकते। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज अभी धीरे धीरे आने वाली है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। ठीक है, तो ये भाई आप हमारा हो गया पूरा ई कॉमर्स, जहाँ पर आप लोग बहुत ही सेव कर सकते हो या फिर लेस एक्सपेंस में। ठीक है, आपको कोई भी प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप अपना गूगल आईडी, गूगल अकाउंट आप लॉगिन करते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो आप वहीं पे पूरा स्टोर करते हो, आपको कोई भी हार्ड डॉक्यूमेंट्स लेके कहीं पे घूमना नहीं पड़ता। तो विद दी यू नो इंटरनेट आपको बहुत सारी सर्विसेज घर बैठे बैठे बहुत ही कम टाइम में आप पा सकते हो। जैसे कोरोना की हम लोग बात करें तो कोरोना के टाइम में बहुत सारी फैसिलिटीज़ बैंक वालों ने प्रोवाइड की थी कि भाई आपको एक वीडियो निकालना रहेगा अलॉन्ग विथ योर पैन कार्ड एंड योर आधार कार्ड, कि भाई आई एम सो एंड सो पर्सन एंड दिस इज़ माई आधार नंबर, दिस इज़ माई पैन नंबर एंड आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट। तो आपका घर बैठे बैठे अकाउंट ओपन हो जाता था, राइट? तो ये कभी आपने सोचा था कि इतना इजी होगा? ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, दिस इज़ ट्रूली अ ब्लेस फॉर अस कि भाई इंटरनेट की वजह से ऑफकोर्स आप मेरे लेक्चर्स भी देख सकते हो, आप हमसे बहुत सारे कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, बहुत सारे ब्यूटीफुल कमेंट्स हमारे वीडियोज़ के नीचे आ रही है, जिससे हम लोगों को और भी मोटिवेशन मिलता है ये सारे के सारे वीडियोज़ करने में। भाई थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग फेथ इन अस। हमारा जो सिलसिला है वो बहुत लंबा सफ़र होने वाला है ऑफकोर्स, एंड वी आर हैविंग more than 20,000 plus subscribers and this is a truly good thing and I'm very much glad to share with you guys। ठीक है, thank you so much इतना love और इतना हमारा भरोसा जीतने के लिए, thank you so much। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई जो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है, प्रिंटिंग वर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारा का सारा विद द वन क्लिक ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। जैसे हम लोग आगे बात करें कि भाई उसके कुछ स्कोप है, स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, जहाँ पे हम लोग बात करें B2C, B2B, C2C एंड C2B, ये चारों के चारों बहुत ही IMP है। ठीक है, ये आपको याद रखना ही है। सबसे पहले हम लोग बात करें B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कॉमर्स, B इज कंसिडर एज द बिजनेस एंड C इज कंसिडर एज द कस्टमर्स। ठीक है, सबसे पहला है बिजनेस टू कस्टमर, जहाँ पे हम लोग बात करें कि ये एक बिजनेस और कस्टमर के बीच में एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं होता। जो सेलर है वो डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकता है और कस्टमर उसको डायरेक्टली परचेस कर सकता है, यहाँ पे कोई भी मीडिएटर नहीं होता। तो इसका मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। उसके बाद आता है बिजनेस टू बिजनेस, जहाँ पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डील करता है और उसी के साथ वो कम्युनिकेशन और उसका जो भी प्रोसेस है वो उसके साथ ही कंटिन्यू रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो किसी और बिजनेस को मिलती है
कि वहाँ पे क्या होता है कि जो कार के सारे स्पेयर पार्ट एक ही जगह पे नहीं बनते, जो असेंबल है वो अलग जगह पे होता है, कार का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी और जगह पे होता है। तो ये जितने भी सारे बिजनेस है वो एक दूसरे के साथ लिंकअप होते हैं, उन लोगों का एक पूरा कम्युनिकेशन रहता है कि भाई आई वॉन्ट दिस मच ऑफ ऑर्डर्स, आपको इतने इतने इंजिन्स बनाने हैं, आपको इतने इतने रोबोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ कम्युनिकेशन करता है और वहाँ पर उन लोगों का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी टर्म होता है, वो यहाँ पर इस हिसाब से उन लोगों का पूरा कम्युनिकेशन चलता है। तो इसे बोला जाता है बिजनेस टू बिजनेस। उसके बाद है कस्टमर टू कस्टमर। अगेन यहाँ पे भी कोई मीडिएटर नहीं होता। जैसे हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल ले कि भाई ओएलएक्स, जितनी भी हमारी सेलिंग साइट है, भाई ओएलएक्स पे क्या होता है कि एक कस्टमर जो होता है वो अपनी कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस पेन, आई वांट टू सेल दिस पेन या फिर फ़ोन, तो हम लोग उसको डायरेक्टली सेल करते हैं। मैं जो भी उसका स्पेसिफिकेशन होता है, जो भी उसका गारंटी वारंटी होता है, कितना टाइम तक यूज़ किया है, जो भी सारी चीज़ें होती है वो हम लोग वहाँ पे सेलिंग के लिए रखते हैं। और दूसरे कस्टमर जो भी है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से दे आर गोइंग टू बाय और वी कैन निगोशिएट ऑन दैट, ठीक है। वहाँ पर भी किसी की हमें मीडिएटर की ज़रूरत नहीं रहती, वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ मिलता है। तो उसे बोला जाता है C2C, दैट इज़ नोन एज कस्टमर टू कस्टमर। और लास्ट में आता है कस्टमर टू बिजनेस, जहाँ पे ऐसा होता है कि कस्टमर एक बिजनेस के पास जाता है, जैसे वन काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग बिजनेस, ठीक है, जहाँ पे ये कोई भी चीज़ हो कि भाई आपको पूरे दिन काम नहीं करना, आपको अपने हिसाब से काम करना है, तो आप जहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, जहाँ पे फ्रीलांसिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, वहाँ पे यू आर गोइंग टू अप्लाई और आप जो भी काम करोगे उसके बदले में आपको आपका पे मिल जाएगा। तो ये होता है कस्टमर टू बिजनेस। तो ये हमारे जो चार स्कोप ऑफ ई कॉमर्स थे, ये विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ये आपका अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर नंबर 4, जहाँ पे हम लोग बात करें बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेस, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे उसके अंदर आती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भाई रिक्विजिट इक्विपमेंट्स, भाई कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो ई कॉमर्स को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला होता है वेबसाइट। आई होप इट इज़ क्लियर, बट इफ इट इज़ नॉट क्लियर देन लेट मी जस्ट राइट हियर। सबसे पहला है वेबसाइट, जहाँ पे थ्रू वेबसाइट यू कैन क्रिएट योर ओन बिजनेस, यू कैन क्रिएट योर ऑन साइट, जहाँ पे लोग आते हैं उसको कोई भी परचेजिंग सेलिंग करना होता है तो वो यहाँ पे करते हैं। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, CC और BC, जिसका मतलब होता है क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, जिससे आप लोग अपना पेमेंट करते हो। और उसके बाद आता है कंप्यूटर विद द इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये ऐसा लिखा है कंप्यूटर विद द इंटरनेट कनेक्टिविटी, जहाँ पे आपका आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या फिर आपके पास एक मीडियम होना चाहिए जिससे वो इंटरनेट की वजह से आप लोग उससे ज्वाइन हो सको और आपको जो भी सेलिंग परचेजिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू वो आप कर सको। तो ये सारे रिक्वेजिट इक्विपमेंट्स है ऑफ दी आपको जो भी ई कॉमर्स सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कौन सी तीन चीज़ों की जरूरत होती है, ये उसके तीन टूल है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है, वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हम लोग को, DMs आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो उसके साथ डाउट पूछने हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है, पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप UKIC ऑनलाइन पे जाके या तो फिर UKIC ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है ₹7199 का, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें आपको देते हैं। एक आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं, मंडे को रहता है, वेनसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं, एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए, आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेनसडे को
फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट शीट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है पर ये जो हमारी पूरी सीरीज है वो पूरे साल चलने वाली है, तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय-बाय शिव टाटा, कंटिन्यू विद योर लेक्चर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, किस हिसाब से आप लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सबसे पहला है उसके बहुत सारे स्टेजेस है। सबसे पहला है प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज, जहाँ पे आप लोगों को एडवांसमेंट नोटिफिकेशन आते हैं। जैसे अभी हम लोग बात करें जैसे नवरात्रि और दिवाली टाइम पे, ये सारे के सारे फेस्टिव सीजन्स में ये यू नो ग्रेट इंडियन सेल, बिग मिलियन सेल, ठीक है, ये सारे सेल तो आपको वो पहले से ही एडवर्टीजमेंट दिखाने लगते हैं कि भाई हमारा सेल आने वाला है, सेल आने, तो ये होता है प्री बाइंग एंड सेलिंग स्टेज, जहाँ पे कस्टमर्स को अवेयर किया जाता है कि भाई आपके रिलेटेड कोई चीज़ आने वाली है। उसके बाद कंडीशंस ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग, जहाँ पे उसके बहुत सारे टाइप्स लिखे होते हैं, फॉर एग्जांपल 10 डेज रिटर्न पॉलिसी, नो रिटर्न पॉलिसी, नो एक्सचेंज पॉलिसी, 7 डेज एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी, तो ये सारी उसकी यू नो अलग अलग कंडीशंस है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड पेमेंट, जहाँ पे यू वांट टू डिलीवर आपको वो एड्रेस वहाँ पे मेंशन करना होता है, और पेमेंट, पेमेंट के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें तो डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट, तो ये उसके है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अगर यू वांट टू परचेज फ्रॉम समथिंग यू नो फ्रॉम साइट, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन या फिर आपको अपना लॉगिन आईडी वहाँ पे डालना पड़ता है। उसके बाद यू हैव टू प्लेस योर ऑर्डर, और उसके बाद में आता है पेमेंट सिस्टम। अब उसके डिटेल में अगर हम लोग और भी बात करें तो मोड ऑफ पेमेंट, तो वो किस हिसाब से हमको अवेलेबल मिलता है। जैसे हम लोग बात करें COD, जिसका मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी, तो आपको अगर कोई भी यू नो साइट पे या फिर प्रोडक्ट पे ऊपर भरोसा नहीं है तो जब तक आप अपनी प्रोडक्ट रिसीव नहीं करते तब तक यू आर नॉट गोइंग टू पे, तो दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मीडियम। और उसके बाद हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आजकल फ्रॉड के बहुत सारे स्कोप हो रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इससे भी थोड़ा सा बचने के लिए आप लोग ये ऑप्शन चूज कर सकते, पर ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होता, सो इट इज़ और बैड लक। उसके बाद है चेक, जनरल केस में ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड होता है, हमारे रेगुलर या फिर डे टू डे लाइफ के लिए इट इज़ नॉट यूजफुल। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र ऑफ कोर्स आप जीपे कर सकते हो, आप फोन पे कर सकते हो, आपको अपने यू नो जो भी अकाउंट में बैलेंस है उससे भी आप कर सकते हो, आपको कूपन्स भी अगर आप अवेलेबल है तो आप उससे भी परचेज कर सकते हो। क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑफ कोर्स ये आपके पास अवेलेबल है तो यू कैन डू इट। और उसके बाद आता है डिजिटल कैश, जहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स आपको वॉलेट में वहाँ पे रहते हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि आपको कैशबैक मिला है तो आप वो भी वहाँ पे स्टोर कर सकते हो, तो उससे भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट है जिसके आप अलग अलग पेमेंट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट, हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करने हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, वन लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एस पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया, और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है, और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और इजी हो जाएगा, और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा।
तो बच्चों अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी मेन फॉर सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4,100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारे मेन फोर सब्जेक्ट्स की नोट्स वो आप लोगों को सिर्फ 4,100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ यूकेएससी ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे यूट्यूब वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में, बाय बाय, सी यू, टाटा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जिसे हम लोग बात करें यहाँ पे आजकल हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि भाई फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड की तो आप बात ही मत करो, मतलब एक OTP से पूरा का पूरा आपका अकाउंट हैक हो सकता है, ठीक है। आधार कार्ड जैसे हमारा सब जगह पर भी लिंक हो गया है, तो इससे हम लोगों को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा कोई भी डेटा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र ना हो। सो नेवर एवर ट्रस्ट एनी काइंड ऑफ अननोन साइट, जहाँ पे आपको कोई भी पता ना हो तो आपको वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन देनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और हो सके तो आप थोड़ा सा न्यूज़ से अपडेट रहे। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलती है कि भाई आजकल बहुत अलग अलग किस्म के फ्रॉड, किस हिसाब से आप लोगों ने इमेजिन भी नहीं किए होंगे उस हिसाब से वहाँ पे फ्रॉड आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें, सबसे पहला है सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन, आपका जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उससे आपको रिस्क हो सकता है, तो वहाँ पे आप सेफ्टी के लिए आप लोग जो इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है वही वहाँ पे इनपुट करनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन, जैसे हम लोगों ने पहले ही बोला वहाँ पे अगर आपके पास आपका डेटा कलेक्ट ना हो, कोई भी यू नो अननोन साइट से आपके वायरस ना आ जाए, तो वहाँ पे आपको कैस्पर सिक्योरिटी या फिर जो भी उसके रिलेटेड जो भी यू नो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको इंस्टॉल करने चाहिए, ताकि यू नो ईजीली कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर ना आ सके। उसके बाद आता है सिक्योरिटी अगेंस्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी, प्राइवेसी इज मस्ट, आपको सब जगह पे अपनी डिटेल या फिर आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो लिखना ज़रूरी नहीं है, जितना होगा उतना ही आप लिखो एंड मेक श्योर कि आप जो भी परचेस कर रहे हो वो एक वेल नोन या फिर फेमस ब्रांड से या फिर फेमस साइट से आप परचेस करते हो। कोई भी रातों रात दिखने वाली साइट इट इज़ नॉट ट्रस्टवर्थी, तो आप उसके ऊपर इतना रिले नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको अपने डेटा आपकी जो भी इंफॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कहीं पे भी ऐसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, आपको दिखाता है। और यहाँ पे इसी के साथ हमारा जो लेक्चर नंबर 3 होता है कंप्लीट, और मिलते हैं हम लोग हमारे लास्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।